छतरपुर के जिला अस्पताल में एक बार फिर एक माँ अपने बच्चे सहित इस दुनिया को अलविदा कह गई। रात करीब 2 बजे छतरपुर के नौगांव क्षेत्र के कुलवारा में रहने वाले अर्जुन कुशवाहा अपनी बहू नीलम को गर्भवती अवस्था में छतरपुर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अर्जुन कुशवाहा के मुताबिक उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी, जिसके कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। तब अस्पताल में पदस्थ नर्सों ने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने पैसे मांगे। हमने पैसे नहीं दिए तो इलाज में लापरवाही बरती गई। अर्जुन कुशवाहा के मुताबिक उनकी बहू और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार है। बहरहाल नीलम कुशवाहा की मौत के बाद जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। अर्जुन कुशवाहा ने इस मामले की शिकायत चौकी में की है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि अस्पताल की लापरवाही पर कोई कार्रवाई होगी। ये पहला मौका नहीं है जब जिला अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत हुई है। पिछले 1 साल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। एक मामले में तो जिला अस्पताल की एक चिकित्सक के खिलाफ लापरवाही बरतने को लेकर FIR भी दर्ज की जा चुकी है। अस्पताल में गर्भवती माताओं के साथ हो रहा खिलवाड़ थमने का नाम नहीं ले रहा। मेरा अर्जुन कुशवाहा नाम है। कहाँ के हो? ग्राम कुलवारा का। कौन सा थाना लगा? नौगांव। क्या नाम है बहू का? नीलम। कितने साल पहले शादी हुई थी? वो लगभग श्रीमान 7-8 साल। बच्चे हैं? एक बच्ची है छोटी सी सर। क्या घटना हुई अस्पताल में? यह घटना हुई कि सर 2 बजे हम लोग ले आए हैं, सुरक्षा से भर्ती की गई है, उनने नॉर्मल डिलीवरी बताई कि नॉर्मल डिलीवरी भी है। इसके बाद में उन्होंने कुछ पैसे मांगे, हमारे पास पैसे ना होने के कारण न जानबूझ के घुटनों से 3-4 मिनट में चढ़ी है और न जानबूझ के मेरी बहू की हत्या की। किसने मांगे थे पैसे? मैडम ने, जो अंदर मैडम है, हम उनने अपना नाम नहीं बताया, मेरे को नाम छिपाया है और हमसे कह रहे थे तुम वहीं पता लगा लेना। मैं श्रीमान कहाँ पर, ये मैडम के कारण, ये श्रीमान, ये जिला चिकित्सा अधिकारी के, ये इनके जानबूझ के, इनके कर्मचारी ही ऐसे गरीब लोगों की हत्या करवाते हैं। अब क्या पोस्टमार्टम हो रहा है? जी सर, अब पोस्टमार्टम हो रहा है। हम इसका न्याय चाहते हैं श्रीमान, कि न्याय होना चाहिए। ऐसा गरीब के साथ में कभी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये गरीबों के साथ में बड़े हमेशा होता है और हो रहा है, इसका कोई सुनवाई नहीं है। मैं चौकी गया, वो मुझे 4 घंटे चौकी में बैठाए रहे, वो चौकी वाले ने कोई मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, ना उन्होंने कोई सुनवाई की है।